जनपद संभल की चंदोसी में सलमानी संसद सभा ग्रुप की जानिब से सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जनपद संभल की चंदोसी में सीगरी गेट में स्थित बैंकेट हॉल में आज सलमानी संसद सभा ग्रुप की जानिब से एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस विषय में कार्यक्रम में शिरकत करने आए खैरुल बशर सलमानी राजकीय अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज हमने केस लड़कर सलमानी गजट पास कराने वाले शहाबुद्दीन सलमानी को सम्मानित किया, जो कि काफी गौरवान्वित करने वाला क्षण है। आज सलमानी समाज का सम्मान समारोह आप यहाँ रत्न देने आए, इसमें क्या कहेंगे? हमें बड़े फख्र की बात है कि हिंदुस्तान ही नहीं बरसग़ीर की नुमाइंदगी कर रहे सलमानी संसद सभा, जो सलमानियों की नुमाइंदगी कर रही है एवार्ड के लिए, जो जो हमारे बुजुर्ग जो सामाजिक कार्यों के लिए और सलमानी नाम को गजट कराने के लिए मेहनत किए हुए हैं उनको सम्मानित कर रही है। लेकिन शहाबुद्दीन साहब शख्सियत एक ऐसी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़े आयोग से फाइट करते हुए, मुकदमा लड़ते हुए, उन्होंने हम सब सलमानियों को, हिंदुस्तान के सलमानियों को पहली बार वो एजाज़ दिया और सरकार को गजट कराने में, सलमानी लफ्ज़ को गजट कराने में अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया। ऐसे शहाबुद्दीन साहब हमारे कायद हैं, हमारे अगुआ हैं, उनकी गाइडलाइन में पूरा समाज आगे बढ़ता है। हम ऑल इंडिया जमात सलमानी ट्रस्ट की ओर से और पूरे आइम्मा की ओर से, पूरे सलमानी कम्युनिटी की ओर से, हिंदुस्तान ही नहीं बरसग़ीर के सलमानियों की ओर से हम सलमानी संसद सभा का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऑल इंडिया जमात सलमानी ट्रस्ट के शहाबुद्दीन साहब को चुना। सलमानी रखने के लिए हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और ये जो पुरस्कार होते हैं, सम्मान होते हैं, आने वाले लोगों की हौसला अफजाई के लिए होते हैं। बुजुर्ग तो अपना काम कर लेते हैं और कौम को एक तोहफा दे के चले जाते हैं, लेकिन हमें फ़ख्र है कि शहाबुद्दीन साहब अभी हमारे बीच में हैं और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी मेहनतों, उनकी काविशों का हम सभी लोग मिल करके शुक्रिया अदा करते हैं और आज इसीलिए उनका एक कार्यक्रम आयोजन हुआ ताकि उनको एक अवार्ड से नवाजा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।